अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ABCs इंटरप्रिटेशन करना, जो कि बहुत इजी होगा और आपको इजीली समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेस, जिनको हम ABCs कहते हैं। उसमें हमारे पास चार वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास pH, उसके बाद हमारे पास आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास pH, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट। तो फर्स्ट हमारे पास pH है। pH क्या डिसाइड करता है? एसिडिटी और अल्केलिनिटी, सही है, यानी कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस डिसाइड करता है pH। सेकेंड हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मौजूद है। थर्ड पे हमारे पास है बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट के बाद जो लास्ट पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं हम। जो pH है वो नॉर्मल आपका 7.35 से 7.45 तक है। सेकंड हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि आपका 35 से 45 तक नॉर्मल है, और बाइकार्बोनेट आपका 22 से 26 तक है कहीं पे, और जो है दूसरे 22 से 28 तक कहीं पे नॉर्मल है। और जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो आपका होगा 80 से 100% तक। ये नॉर्मल वैल्यूज़ है जो कि आपको याद होनी चाहिए, और नेक्स्ट पेज पे भी हम इनको रिव्यू कर लेते हैं। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। आई एम गिविंग यू 10 seconds टू रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यूज़। अब इसमें हम दूसरी बात करते हैं pH का, जैसे कि मैंने बताया था कि डिपेंड करता है आपके अल्कलोसिस पे और एसिडोसिस पे। अब अगर 7.35 से आपका pH नीचे होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। 7.45 से ऊपर होगा तो अल्कलोसिस कहलाएगा। अब जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका पर्पस क्या है? मेनली कि ये वेंटिलेशन, इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक वोलेटाइल एसिड होता है जिसको बॉडी से एक्सक्रीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो नॉर्मल वेंटिलेशन हमारी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड होता है उसके अंदर उसको चेंज कर दिया जाता है, यानी कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये ऑक्सीजन H2O, उसके बाद H2CO3 बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला के H2CO3, बाइकार्बोनेट आपका फिर इससे बनता है H++, उसमें चला जाता है और आपका बाइकार्बोनेट बन जाता है। आगे देखते हैं, और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल रेंजेस आ गए हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाए, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 जो कि नॉर्मल है, और ये कैप्टी यानी कि नॉर्मल वेंटिलेशन आपकी हो रही है, नॉर्मल वेंटिलेशन है, सही कंडीशन ऑफ ब्लड नॉर्मल है। अगर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाए तो क्या होगा? रिस्पायरेटरी यानी कि pH भी आपकी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में चला जाएगा पेशेंट, और हाइपोवेंटिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी के अंदर रिटेंशन हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, सही, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार क्या हो गई है, कम हो गई, 35 से कम हो गई है, तो क्या होगा? रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगा और हाइपर वेंटिलेशन होगी, यानी कि हाइपर ज़्यादा जल्दी आप, यानी कि ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर रहे हो। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास प्राइमरी फैक्टर क्या आ जाता है, यानी कि ये डिसऑर्डर है कि जिसमें फर्स्ट चेंज आपका एलिवेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपकी pH क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और ये प्रोसेस हाइपोवेंटिलेशन कहलाता है और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कॉज कर देता है। और ये किसी भी वजह से हमारे पास हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की वजह से, या पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से, या ओवर सेडेशन की वजह से, या हेड ट्रॉमा एनेस्थीसिया की वजह से, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से आपको हो सकता है, या इनअप्रोप्रिएट मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से आपको हो सकता है। सेकंड हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस की। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में आपका क्या होगा, डिक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड होगा और इंक्रीज़ इन
पीएच होगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये किस वजह से हमारे पास हो, इसमें आपके पास हाइपर वेंटिलेशन होती है, और ये आपके पास होता है एनजाइटी, फेयर, पेन, फीवर, सेप्सिस, प्रेगनेंसी, इन सब में आपको हो रहा होता है रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। और भी कॉजेज इसकी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमन डिस्कस की हैं। सेकंड हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट की। अब बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू हमने डिस्कस की थी, 22 से 28 तक आपके पास नॉर्मल वैल्यू मौजूद है। अब अगर ये वैल्यू लेस देन 22 हो जाएगी तो आपका किस में चला जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। अगर 28 से वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में आपका चला जाएगा। अब मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के हमारे पास क्या कॉजेज हैं, वॉमिटिंग, प्रोलॉन्ग एनजी सक्शन, डायरिया, डायूरेटिक थेरेपी जो कि हम लेसिक्स इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को अगर ज़्यादा दे दिए, पोटेशियम डिफिशेंसी हो गई, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटासिड आपने उसको दे दिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होता है, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में होता है, या लैक्टिक एसिड में, शॉक में, सेप्सिस में, रेनल फेलियर में, या यूरेमिया में। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ जिसमें ऑक्सीजन की हमने नॉर्मल रेंज देखी थी कि 80-100 तक नॉर्मल है, 60-80 तक आपके पास मिल्ड, 40-60 आपके पास मॉडरेट, और बिलो 40 या 40 आपके पास आ जाएगा सीवियर हाइपोथर्मिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कंपनसेशन कौन सी हो रही है। सही, एबीजीज में हम कंपनसेशन की भी बात करते हैं कि नॉन कंपनसेशन है, पार्शियल कंपनसेशन है, या कंप्लीट कंपनसेशन हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नॉन कंपनसेशन में। नॉन कंपनसेशन में क्या होगा कि या तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड या आपका बाइकार्बोनेट दोनों में से कोई एक की वैल्यू चेंज होगी और दूसरा नॉर्मल होगा, और पीएच भी चेंज होगी क्योंकि पीएच नॉर्मल नहीं होगी। सही, ये कंडीशन है इसमें। इसमें या तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट दोनों में से कोई एक नॉर्मल होगा और एक चेंज होगा, और पीएच भी चेंज होगी, तो ये हमारे पास नॉन कंपनसेशन कहलाएगा। मींस के बीच में कोई कंपनसेशन नहीं हो रही कि जिस इसको इनकी पीएच को मेंटेन किया जा रहा है। सही, पीएच को मेंटेन करने के लिए कोई कंपनसेशन नहीं हो रही, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम और आपका जो रेनल सिस्टम है ये दोनों में से कोई एक भी कंपनसेशन नहीं कर रहा कि पीएच आपका नॉर्मल करे। पार्शियल कंपनसेशन में अगर हम बात करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास चेंज होगा, बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी नॉर्मल से अबव या बिलो होगी, और पीएच भी आपके पास चेंज होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका पार्शियल कंपनसेशन हो रही है, यानी कि पीएच को नॉर्मल करने के लिए रेनल सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंज ला रहा है अपने अंदर। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं कंप्लीट कंपनसेशन की। कंप्लीट कंपनसेशन में क्या होगा कि जिसमें आपके पास पीएच नॉर्मल है, मींस के पीएच को नॉर्मल करने के लिए ज़्यादा कंपनसेशन होगी, या तो मेटाबॉलिक यानी कि या रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेनल सिस्टम दोनों ने किसी एक ने कंपनसेशन करके पीएच को नॉर्मल बनाया है। आई थिंक सो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, तो सर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप्स देख रहे थे कि एबीजीज इंटरप्रिटेशन के आपके पास स्टेप्स कौन कौन से होने चाहिए। फर्स्ट आपने इवेलुएट करना है पीएच को, पीएच को देखते हुए आपको एसिडोसिस और अल्कोलोसिस का पता लगेगा। उसके बाद इवेलुएट करना है आपने कार्बन डाइऑक्साइड को, इससे आप पता लगेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला है कि नहीं। फिर उसके बाद आप बाइकार्बोनेट देखोगे कि मेटाबॉलिक है उसको या नहीं है। उसके बाद हम उसका कंपनसेशन देखेंगे कि कौन सा है, नॉन कंपनसेशन है, पार्शियल कंपनसेशन है, या फुल कंपनसेशन है, या कंप्लीट कंपनसेशन है। और उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे उसका ऑक्सीजन लेवल, कि ऑक्सीजन लेवल उसका कितना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका पीएच ऑफ ब्लड है वो डिसाइड करता है कि एसिडोसिस या अल्कोलोसिस है। तो अगर आपके पास नॉर्मल रेंज आ जाए तो नॉर्मल एसिडिक साइड भी हमारे पास मौजूद होती है, जो कि 7.5 से 7.39 तक है। अगर आपको मालूम नहीं है कि पेशेंट आपके पास किस हिस्ट्री के साथ आया, अगर पेशेंट यानी कि सिंपली हमें मुश्किल होती है कि वो रिस्पायरेटरी है या मेटाबॉलिक है, वैल्यूज़ कुछ हमारे पास दोनों ही सेम हो रही होती हैं, तो उसमें हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करनी है कि पेशेंट की आपने हिस्ट्री तो पूछनी है बेसिक, कि वो नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया के साथ आया है तो उसका मेटाबॉलिक होगा, या वो आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया तो उसका रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस होगा। लेकिन अगर उसका आपको नहीं पता है तो आप ये स्केल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एसिडिक नॉर्मल एसिडिक स्केल जो 7.35 से 7.39 तक, उसके बाद जो नॉर्मल एसिडोसिस स्केल है, अल्कोलोसिस स्केल है, वो 7.45 से 7.45 तक है, 7.41 से 7.45 तक। सही है, तो ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए।
आगे प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें आपने क्या देखने है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा था कि आपने पीएच देखनी है। इसमें हमारे पास पीएच क्या है, पीएच हमारे पास 7.05 यानी कि पीएच हमारी कम है। पीएच कम है तो हमें क्या बोलेगा कि ये एसिडोसिस है। फर्स्ट हमें क्या पता चला कि ये एसिडोसिस है। सेकंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है और पीएच भी कम है, मींस कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो मसला नहीं है। बाइकार्बोनेट भी कम है हमारे पास, मींस कि ये मेटाबॉलिक का मसला है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। सही, ये हमारे पास कम है। इसके बाद हमने बात की है कि कंपनसेशन कौन सी हो रही है। अब इसमें कंपनसेशन कौन सी हो रही है कि पीएच क्या हो रहा है, पीएच भी कम हो रहा है और तीनों वैल्यूज़ अल्टर्ड है, मींस कि हमारे पास पार्शियल कंपनसेशन हो रही है। तो इसका जो आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेशन, ये भी आप उसको बोल सकते हो, इसको पार्शियल रिस्पायरेटरी कंपनसेशन, ये इसका आंसर होगा प्रॉपर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद पार्शियल रिस्पायरेटरी कंपनसेशन विद नॉर्मल ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन उसका नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिस टू, जिसमें आपके पास पीएच क्या है, नॉर्मल है 7.35 है। और तो 7.35 से आपको क्या पता लगा कि उसका क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हम किस पे डिपेंड करेंगे, मैंने पीछे आपको एक चार्ट बताया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कम होगा तो एसिडोसिस और बड़ा होगा तो अल्कलोसिस होगा। मींस कि ये हमारे पास क्या है, एसिडोसिस है, नॉर्मल एसिडोसिस। अब नॉर्मल एसिडोसिस में क्या हो रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास कम है क्योंकि 35 to 45 उसकी नॉर्मल रेंज होती है, ये भी आपके पास कम है और बाइकार्बोनेट भी आपके पास कम है। तो यानी कि एक चीज़ आपके पास यानी कि नॉर्मल है यानी कि एसिडोसिस की तरफ है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें आपके पास आ जाएगा मेटाबॉलिक। जैसे आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा क्योंकि हमने बात की थी कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे। अगर ये एसिडोसिस की वजह का मींस के कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसका बड़ा हुआ होता तो हम इसको रिस्पायरेटरी बोल रहे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसका कम है तो इसलिए हम इसको मेटाबॉलिक की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि इसका बाइकार्बोनेट कम है। अब कंपनसेशन कौन सी हो रही है इसमें, यानी कि पीएच तो नॉर्मल है, सही है, और पीएच नॉर्मल जब होती है तो इसमें कौन सी कंपनसेशन हो रही होती है, फुल कंपनसेशन हो रही होती है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर बनेगा वो हमारे पास फुल कंपनसेशन विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मिल्ड हाइपोक्सिया है। प्रैक्टिस थ्री करते हैं, जिसमें 9-year-old विद हिस्ट्री ऑफ एस्थमा ऑडिबली विजिंग सिंस 1 week हैज़ नॉट स्लेप्ट इन 2 nights प्रेजेंट सिटिंग अप एंड यूजिंग एसेसरी मसल्स टू ब्रेथ वे ऑडिबल विजेज। अब इसमें पीएच आपके कह रहे 7.51 है। इसमें हमारे पास पीएच बढ़ा हुआ है, मींस कि ये अल्कलोसिस है, फर्स्ट हमें ये पता लग गया। सेकंड हमने कार्बन डाइऑक्साइड कम देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका कम है, तो मींस कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि पीएच बढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है। और उसके बाद हमारे पास जो बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू है, मींस कि इसमें कंपनसेशन कौन सी हो रही है कि दोनों में से एक हो रहा है, मींस कि इसमें नॉन कंपनसेशन हो रही है। इसका जो राइट आंसर बनेगा रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस विद नॉन कंपनसेशन एंड सिवियर हाइपोक्सिया ड्यू टू एस्थमा एक्सर्बेशन। प्रैक्टिस फोर, इसमें जो 7-year-old पोस्ट ऑप प्रेजेंटिंग विद चिल्स फीवर और हाइपोटेंशन है, पेशेंट का हमने सबसे पहले पीएच देखने है, पीएच हमारे पास क्या है 7.25, इसके पीएच इसका कम है, तो ये पीएच कम हो गई तो है किस में चला गया, एसिडोसिस में चला गया हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड उसका देखेंगे 32 है, मींस कि 35 से कम है, तो ये किस में चला गया मींस के, और पीएच भी कम है मींस कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का तो मसला नहीं है। तो इसमें बात आ जाती है बाइकार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कब कंपनसेशन इसमें कौन सी हो रही है, पीएच भी चेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी चेंज है और बाइकार्बोनेट भी चेंज है, इसमें पार्शियल यानी कि पार्शियल कंपनसेशन हो रही है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर वो हमारे पास क्या बनेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद पार्शियल रिस्पायरेटरी कंपनसेशन विद मॉडरेट हाइपोक्सिया। प्रैक्टिस फाइव, मिस्टर पफर इज़ अ 35-year-old सिंगल मदर, शी रिपोर्ट्स टू द ईआर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हर ईबीजीज आर।
7.52 इसकी ABGs हैं, मीन्स कैसे आपको पता लगे कि उसको अल्कलोसिस है। सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड उसका 28 है, मीन्स के 35 से कम है और वो बढ़ा हुआ है। तो इसमें हमारे पास कौन सा मसला आ जाता है? फिर इसमें हमारे पास दोबारा रिस्पायरेटरी का मसला आ जाता है, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ भी आई है पेशेंट, तो रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो गया। अब इसमें कंपनसेशन कौन सी हो रही है हमारे पास? ये नॉर्मल है, जब ये नॉर्मल है मीन्स के नॉन कंपनसेशन हमारे पास हो रही है। इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस विथ मेटाबॉलिक नॉन कंपनसेशन एंड मॉडरेट हाइपोक्सिया। प्रैक्टिस 6, मिस्टर अब्दुल इज अ 52-year-old मेल, ही एंटर्स इन ER विद कंप्लेन ऑफ SOB एंड टिंगलिंग इन फिंगर्स, हर ABGs आर 7.48, मीन्स की ABGs इनकी बड़ी हुई हैं। जब ABGs इनकी बड़ी हुई मीन्स के ये अल्कलोसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड इनका 28 है, ये भी कम है और वो भी कम है, pH भी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, दोनों कम है, मीन्स के ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला तो नहीं है। और इसका जो बाइकार्बोनेट है वो भी क्या है, कम बाइकार्बोनेट इसका यानी कि कम है, लेकिन ये हमारे पास किस मसले से आई है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, तो इसीलिए हम इसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में लेके जा रहे हैं। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में कंपनसेशन कौन सी हो रही है? तीनों चीज़ें अल्टर्ड हो रही हैं, तो हमारे पास पार्शियल कंपनसेशन इसकी हो रही है। इसका जो कंप्लीट आंसर हमारे पास बनेगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद पार्शियल मेटाबॉलिक कंपनसेशन एंड मिल्ड हाइपोक्सिया। प्रैक्टिस 7, 65-year-old मेल विद नॉन COPD प्रेजेंट इन ER कंप्लेनिंग ऑफ इंक्रीज ब्रेथलेसनेस, द पैरामेडिक्स हैव पुट हिम ऑन अ वेंचुरी मास्क टू गिव एन FiO2 ऑफ 40% ड्यू टू हिज ब्रेथलेसनेस एंड इनिशियल लो सेचुरेशंस। तो pH उसकी हमारे पास 7.25 है, pH उसकी कम है, मीन्स कि ये पेशेंट एसिडोसिस में है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका बढ़ा हुआ है और जो बाइकार्बोनेट है वो भी इसका कम है, मींस के दोनों तरफ से एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक भी एसिडोसिस इसका बन रहा, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी मसला है इसका और रेनल का भी मसला है, मेटाबॉलिक और रिस्पायरेटरी दोनों का मसला है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड एसिडोसिस विद सिवियर हाइपोक्सिया, क्योंकि जो उसका ऑक्सीजन लेवल है वो 40% है। तो इसका जो राइट आंसर है, मिक्स्ड एसिडोसिस विद सिवियर हाइपोक्सिया। प्रैक्टिस 8 देखते हैं कि जिसमें आपके pH 7.56 है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 28 है, बाइकार्बन आपके 25 और ऑक्सीजन 78, pH आपके पास 7.56 मींस के बढ़ा हुआ है और बढ़ा होगा तो आपके पास अल्कलोसिस आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम है और यानी कि बाइकार्बन आपका नॉर्मल है, मींस कि ये किसका मसला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। कंपनसेशन कौन सी हो रही है इसमें, यानी कि बाइकार्बोनेट हमारे पास नॉर्मल है, तो मीन्स नॉन कंपनसेशन आपके पास हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद नॉन मेटाबॉलिक कंपनसेशन एंड माइल्ड हाइपोक्सिया। प्रैक्टिस 9 करते हैं जिसमें आपके पास pH 6.96 है, यानी कि pH आपके पास कम है, कार्बन डाइऑक्साइड 71 बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट कम है और जो ऑक्सीजन है वो 39% है, यानी कि वो तो सिवेयर पे चला गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसमें जो pH है वो आपके पास क्या है, कम है, मींस कि आपके पास एसिडोसिस बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा हुआ है और pH भी कम है, तो एसिडोसिस और कार्बन बाइकार्बोनेट भी आपके पास कम है, तो आपके पास ये क्या बना लेगा, मिक्स्ड एसिडोसिस विद सिवेयर हाइपोक्सिया, क्योंकि दोनों तरफ से एसिडोसिस आ रहा है। प्रैक्टिस 9, जिसमें आपके पास pH आता है 7.35, कार्बन डाइऑक्साइड 49 और बाइकार्बोनेट 30 आ जाता है। अब pH क्या है, नॉर्मल है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बढ़ा हुआ है और जो इसका बाइकार्बोनेट है वो भी बढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट दोनों ही इसका बढ़ा हुआ है। तो इसमें हम यानी कि एसिडोसिस बोलें कि अल्कलोसिस उसको बोलें, इसके लिए हमने नॉर्मल एक स्केल देखा था जिसमें नॉर्मल एसिडिक स्केल और नॉर्मल बेसिक स्केल मैंने आप लोगों को बताया था। अब जो इसकी वैल्यू 7.35 है, मीन्स के एसिडिक साइड पर हम इसकी जाएँगे, मीन्स के ये नॉर्मल एसिडोसिस कहलाएगा और किस चीज़ का मसला होगा, एसिडोसिस है और जो इसका वैल्यू यानी कि डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो किस में आ जाएगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आ जाएगी। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है और कंपनसेशन किस चीज़ की हो रही है, मेटाबॉलिक की हो रही है। अब पार्शियल है, कंप्लीट है
या नॉन कंपनसेशन है। अब पीएचएस में नॉर्मल है तो इसमें फुल कंपनसेशन हो रही है, यानी कि फुल कंपनसेशन हुई है पीएच को नॉर्मल बनाने में। इसका जो राइट आंसर होगा रिस्पायरेटरी नॉर्मल एसिडोसिस फुल कंपनसेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस 10 की, जिसमें आपके पास पीएच आता है 7.44 और कार्बन डाइऑक्साइड 48 और जो आपके पास बाइकार्बोनेट आ जाता है वो 35 आ जाता है। इसमें जो आपके पास पीएच है, यानी कि पीएच आपके पास क्या है 7.44। अब इसमें हम दोबारा उसी का डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल एसिडिक स्केल और बेसिक स्केल में, यानी कि इस बार ये अल्कलोसिस पे ज़्यादा है, यानी कि 7.44 अल्कलोटिक साइड पे आ रहा है, अल्कलोसिस इसको है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अल्कलोसिस आ जाएगा नॉर्मल अल्कलोसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड इसका बढ़ा हुआ है लेकिन जो पीएच है वो उसका अल्कलोसिस की साइड पे, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका बायकार्बोनेट की वजह से मसला आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, नॉर्मल अल्कलोसिस। और कंपनसेशन कौन सी हो रही है इस पर, इस पर भी कौन सी कंपनसेशन होगी, मीन्स कि पीएच को नॉर्मल बनाने के लिए, मीन्स कि इसमें फुल कंपनसेशन हो रही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है मेटाबॉलिक नॉर्मल अल्कलोसिस फुल कंपनसेशन। थैंक यू, होप यू लाइक इट।